गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिजिकल वर्ल्ड का आज दूसरा दिन, फिजिक्स क्लास 11 फिजिकल वर्ल्ड का दूसरा दिन। ठीक है, तो कल की क्लास में आप क्या सीखे थे या हम लोग क्या सीखे थे, साइंस क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है और साइंटिफिक मेथड क्या होता है, स्कोप ऑफ फिजिक्स, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो ये सब पढ़े थे, क्लियर है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कल की क्लास में ये था कि जो हम फिजिक्स पढ़ते हैं क्यों पढ़ते हैं, और उसका नाम था थ्रस्ट ना, प्रिंसिपल्स थ्रस्ट ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो उसमें दो थे, एक था यूनिफिकेशंस और एक था रिडक्शनिज्म, यानी हमारे नेचर्स में जो हजारों फिनोमिना हो रहे हैं उनको हम कम करते 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 कम से कम पढ़े, है ना, उसको बोलते हैं यूनिफिकेशंस। जैसे हमने देखा हमारे नेचर्स में इसको हम छोड़ते हैं, अर्थ उसको अट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है, और हमेशा स्काई से जो बादल से जो ड्रॉप गिरता है वह अर्थ पे ही आता है, बारिश होती है, पहाड़ों से ही पानी कहाँ आता है, नीचे आता है, जो पेड़ पर लगे फल होते हैं वो भी नीचे गिरते हैं, अगर हम बॉल को थ्रो करते हैं ऊपर तब पर वह नीचे आता है, ठीक है, यानी किसी भी वस्तु को हम देखते हैं वह गिरता है अर्थ की तरफ। बहुत से थिंग्स को हम देखते हैं कि वह अर्थ की तरफ गिरता है, तो ये हजारों जो हम देखे मटेरियल्स जो नीचे गिरते हैं इनका सिर्फ एक ही लॉजिक है, समझ रहे हो ना, तो वह क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हर एक वस्तु नीचे गिरती है, कोई भी वस्तु। तो अगर हम ये पढ़ें पहाड़े पर से पानी आता है उसको अलग पढ़ें, ये अर्थ पर गिरा इसको अलग पढ़ें, बॉल को हमने थ्रो किया फिर से देखा वो नीचे आ गया अलग पढ़ें, पेड़ों से फल गिर रहे हैं उसको अलग से पढ़ें, तो इस तरह से बहुत सारे फार्मूले बहुत सारे नियम हमको याद करने होंगे, है ना। लेकिन फिजिक्स क्या चाहता है, कम से कम पढ़ो, कम से कम, और उसको कम करते करते देखा कि इसका सिर्फ एक ही लॉजिक है, वह है ग्रेविटेशनल फोर्स, समझ में आ रहा है ना, ये है थ्रस्ट ऑफ फिजिक्स, क्लियर, यूनिफिकेशन कम से कम, क्लियर। सेकेंड था रिडक्शनिज्म, रिडक्शनिज्म क्या था, तो रिडक्शनिज्म का मीनिंग है हमारे नेचर्स में जो भी घटनाएं होती हैं, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, तो उनको समझने के लिए हम उनको छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करके एक एक पार्ट समझ लेते हैं, इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। ये चाहता है फिजिक्स कि आप कम से कम पढ़ो और जो कॉम्प्लेक्स है उसको छोटे छोटे सेक्शंस में करके आप आसानी से पढ़ लो, समझ रहे हो ना, ये है फिजिक्स, क्लियर। ठीक है, अब उसके बाद आता है, हमने कल बताया था आपको फिजिक्स इन रिलेशंस टू टेक्नोलॉजी, और इससे पहले हमने ये बताया था कि फिजिक्स अदर साइंस से या फिर अदर सब्जेक्ट से किस तरह से रिलेट है, उसको भी हमने पढ़ा था, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, जियोलॉजी से, एस्ट्रोनॉमी से, स्पोर्ट से किस तरह से रिलेट है फिजिक्स। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वह यह है फिजिक्स इन रिलेशंस टू टेक्नोलॉजी, जो फिजिक्स है वह टेक्नोलॉजी से किस तरह से रिलेट है। ठीक है, इसको देखो, टेक्नोलॉजी प्रिंसिपल, ठीक, स्टीम इंजन का जो प्रिंसिपल है वह है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, एरोप्लेन्स है उसका जो प्रिंसिपल है वह है बर्नौलीज प्रिंसिपल, कंप्यूटर्स जो टेक्नोलॉजी है उसका जो प्रिंसिपल है वह डिजिटल लॉजिक है, फोटोसेल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, सोनार है रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स है। तो ये आपको एनसीईआरटी में टेबल्स है, उस टेबल से आप, ये हमने पांच आपको बता दिए हैं, आप और भी नोट करके उसको लर्न कर लीजिएगा, क्लियर। अब उसके बाद आता है सम ग्रेट फिजिसिस्ट एंड दियर कंट्रीब्यूशंस, कुछ हमारे साइंटिस्ट अपने इंडिया के भी और कुछ अदर कंट्री के जो साइंटिस्ट हैं उनकी डिस्कवरी क्या है, उन्होंने हमको क्या दिया है, इसका भी एक एनसीईआरटी में आपका एक टेबल है,
उस टेबल्स में आप राइट करके उसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। बट हमारे पास कुछ हैं ऐसे जो फेमस हैं, उनको नोट किया हुआ है, उनको देख लेते हैं। गैलीलियो गैलीली जो है वह ला ऑफ इनर्शिया दिया है। जे जे थॉमसन्स डिस्कवरी किया इलेक्ट्रॉन्स का। डब्ल्यू के रोयटेंजन जो है एक्सरे। जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन्स। सी वी रमन्स अपने इंडिया के साइंटिस्ट, उन्होंने दिया इन इलास्टिक स्केटरिंग ऑफ लाइट बाई मॉलिक्यूल्स। यस एन बोस ये भी अपने इंडिया के फेमस साइंटिस्ट, इन्होंने दिया क्वांटम स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ टेबल्स, हमारे इंडिया के साइंटिस्ट रहे और भी अदर कंट्री के साइंटिस्ट रहे, उनकी जो डिस्कवरी है ये इस तरह से है, और जो हमारा फिजिक्स है उनकी टेक्नोलॉजी कौन से प्रिंसिपल पर है ये इसका टेबल है। क्लियर है ना? ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि हमने देखा कि फिजिक्स चाहता क्या है, किस पर जोर देता है, देता है यूनिफिकेशन, हम कम से कम पढ़े, कम से कम पढ़े, ठीक है। तो इस तरह से हम कितने टाइप्स के फोर्स को पढ़े हैं उसको समझते हैं। तो हम बहुत टाइप के फोर्स पढ़े हैं, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, फ्रैक्शनल फोर्स, बियोंसी फोर्स और विस्कस फोर्स और स्ट्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, समझ रहे हो ना, मस्कुलर फोर्स, समझ रहे हो। तो इस तरह से बहुत सारे फोर्सेस आपने पढ़ा हुआ है, क्लियर है ना। तो अब उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बहुत सारे फोर्स आप पढ़े हैं, समझ रहे हो ना। तो ये जो बहुत टाइप के फोर्सेस हैं, अगर उनके ला अलग अलग पढ़ें तो बहुत सारे ला पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे प्रिंसिपल्स को हमको पढ़ना पड़ेगा, तो कितना याद करेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाता है, समझ रहे हो ना। इसलिए वो फिजिक्स हमारा चाहता है हम कम से कम पढ़ें, कम से कम पढ़ें, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट टाइप के फोर्सेस हैं इन सबको मिला के जो हमारा फिजिक्स चाहता है, ये जो फोर्स है जो हमारे नेचर से मिलता है इसको बोलते हैं फंडामेंटल फोर्स। और जो फंडामेंटल फोर्स है वो इन सभी फोर्स में से सिर्फ चार है। तो चार टाइप के फोर्स में सभी फोर्स आ जाते हैं। ये हजार फोर्स हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चार फोर्स पढ़ेंगे, समझ रहे हो ना। ये है फिजिक्स। तो फिजिक्स मतलब क्या होता है, कम से कम चाहता है, कम से कम पढ़ो, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हमारे नेचर्स में जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं वो इस तरह से हैं। फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, तो फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड है इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक ही है इलेक्ट्रिक फोर्स। थर्ड है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और जो फोर्थ है वह आपका है वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये हमारे नेचर्स में फोर फंडामेंटल फोर्सेस मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, इनके सोर्स क्या हैं, किस पर डिपेंड करता है और किस तरह से फोर्स एक्सपीरियंस करता है, अट्रैक्शंस रिपल्शंस, इनका रेंज क्या होता है और कौन सा फोर्स स्ट्रांग होता है, कौन सा फोर्स वीक होता है, तो इसको हम एक टेबल के माध्यम से इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये चार फोर्सेस के कुछ टेबल्स हैं, हम उसको नोट कर लेते हैं, उससे हमको ज़्यादा क्लियर होगा कि ये फोर्स किस तरह से वर्क करता है, क्लियर। तो टेबल बनाते हैं, टेबल को देखते हैं। ये है
हमारे फंडामेंटल फोर्सेस के टेबल्स इसको समझते हैं, ठीक है। फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये चार फंडामेंटल फोर्सेस हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स को समझते हैं। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का सोर्स क्या है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्लास नाइन्थ में पढ़े थे, आपके पास टू मासेस हैं यम वन एंड यम टू, ये टू मासेस हैं, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो न्यूटन्स लॉ क्या कहता है? एफ इज इक्वल टू वो कैपिटल जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, यही है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो फोर्स है इनका जो सोर्स है वह क्या है? मास, ठीक है। तो ये हुआ सोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का सोर्स क्या है? मास, ओके। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स किस पर वर्क करता है, किस पर एक्ट होता है? तो मास पर ही एक्ट होता है, मास ही है, ठीक है। अब इनका नेचर कैसा होता है? नेचर, ये जो फोर्स होता है, फोर्स अट्रैक्शन का फोर्स होता है या रिपल्शन का? तो आंसर है अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को खींचती है, तो इसका मतलब क्या है? अट्रैक्शन, तो ये ओनली अट्रैक्शन का फोर्स होता है, अट्रैक्शन। अब इसका रेंज क्या है, ठीक है? तो इसका रेंज इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट। अब कंपैरेटिव स्ट्रेंथ, कंपैरेटिव मतलब कंपैरिजन करना है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स से, चारों से कंपेयर करना है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वह क्या होगा? सबसे वीकेस्ट होगा, सबसे कम होगा, ठीक है। तो ये है हमारा वीकेस्ट। अभी समझते हैं कितना वीक होता है, इसको भी समझते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स का? जो भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है, ठीक है, उस पर वर्क करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका एग्जांपल्स, ऑल ऑब्जेक्ट है मास, जिस ऑब्जेक्ट के पास मास होगा वह ग्रेविटेशनल फोर्स का जो एक्सपीरियंस होगा उस मास पर होगा। तो इस तरह से पूरे सोलर सिस्टम्स की बात करते हैं, तो पूरा सोलर सिस्टम से भी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स से एक दूसरे से बंधा हुआ है, अट्रैक्शन के फोर्स की वजह से, ठीक है। ये तो है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स पर। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो सोर्स है वह क्या है? तो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो सोर्स है वह है चार्ज। क्लास टेंथ में पढ़े थे इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज रब किए थे, ये चिपका लिया था, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रांग था। तो ये है इलेक्ट्रिक फोर्स का सोर्स है चार्ज। अब ये किस पर वर्क करता है? ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर वर्क करता है, वो भी क्या है? चार्ज ही है, ठीक है। ये है चार्ज, ओके। अब इनका नेचर क्या है? तो इनका नेचर है, ये जो चार्ज होता है कभी कभी अट्रैक्ट करता है और कभी कभी रिपल करता है, यानी सेम चार्ज होंगे तो रिपल्शन होगा, अपोजिट चार्ज होंगे तो अट्रैक्शन होगा। तो ये दोनों नेचर रखता है, अट्रैक्शन का भी और रिपल्शन का भी, समझ में आ रहा है ना, ठीक। तो ये है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, ये हुआ। अब इसका रेंज क्या है? तो इसका रेंज भी इनफाइनाइट है। अगर कोई एक चार्ज बॉडी है उसका जो स्ट्रेंथ होता है वह इनफाइनाइट लेंथ तक होता है, ठीक है। डिस्टेंस बढ़ता जाता है उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है, लेकिन अगर इनफाइनाइट पर है तो उसका स्ट्रेंथ जीरो होता है, बट इनफाइनाइट पर हम पहुंच नहीं पाते हैं, तो इसलिए इसका जो रेंज है वह इनफाइनाइट रेंज है, क्लियर। ये भी है आपका इनफाइनाइट रेंज, इनफाइनाइट रेंज। नेक्स्ट है कंपैरेटिव स्ट्रेंथ। अब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 टू द पावर 36 टाइम
समझ रहे हो ना कितना ही स्ट्रॉन्ग, 10^36 टाइम, ये 10^36 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना स्ट्रॉन्ग हुआ, 10^36 टाइम्स, इतना स्ट्रॉन्ग होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, और इसका जो एग्जांपल्स है, इसका एग्जांपल है फ्रैक्शनल फोर्स जिससे हम चलते हैं, जो हम नट बोल्ट टाइट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके एग्जांपल्स हैं। ओके, ये हुआ। अब हम आते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पर, और ये जो हमारे फोर फंडामेंटल फोर्सेस हैं जो हमारे नेचर्स में मिलते हैं, ठीक है, तो इसमें से हमारे दो माइक्रोस्कोपिक हैं जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि ये एटम्स के अंदर होते हैं और एटम इतना छोटा है जो हमको अपनी आंख से दिखता नहीं है। तो ये जो दो फोर्स हुए ये माइक्रोस्कोपिक फोर्स हुए, और ये जो दोनों फोर्स हैं ये हमको दिखते हैं, है ना, तो ये माइक्रोस्कोपिक फोर्स हुए। तो दो हमको दिखते हैं जो हम अपने नेचर से में इस तरह से वर्क करते हैं उसको समझते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है वो एटम्स के अंदर होता है, समझ में आ रहा ना, जो हमको नहीं दिखता है अपनी आंखों से। ये फोर टाइप्स के टू टाइप्स हो गए, माइक्रो एंड माइक्रो, क्लियर। अब आते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पर, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के जो सोर्स हैं वे क्या होते हैं, अब ये न्यूक्लियस में होता है, सॉरी ये एटम्स में होते हैं। अब एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस होते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन्स होते हैं और जो प्रोटॉन होते हैं उनकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, ठीक है। तो ये कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, यानी प्रोटॉन्स जो होता है और जो न्यूट्रॉन्स होता है उनके द्वारा जो रिपल्सन्स फोर्स होता है वह होता है, ठीक है। तो इनका जो सोर्स है वह क्या है, वह यह है न्यूक्लियर पार्टिकल। तो न्यूक्लियर पार्टिकल्स में आपको क्या मिलेंगे, न्यूट्रॉन मिलेगा और प्रोटॉन मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जो फोर्सेस होंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में, न्यूट्रॉन रिपल्सन फोर्स होगा वह होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन फोर्स होगा रिपल्सन्स का वह होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का फोर्स होगा वह होगा, ठीक है। तो इस टाइप के फोर्सेस हमको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में मिलते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अब ये किस पर वर्क करता है, यह वर्क न्यूक्लियर पार्टिकल पर ही वर्क करता है, ठीक है, ये वर्क करता है, यही न्यूक्लियर पार्टिकल भी पर ही वर्क करता है, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसका नेचर्स क्या है, इसका जो नेचर्स होता है यह भी अट्रैक्शंस का और रिपल्सन्स का दोनों रखता है इसका नेचर्स। ये हुआ अट्रैक्शंस और रिपल्सन्स, ठीक है, ये हुए। अब इनका जो रेंज होता है, ठीक है। अब ये जब एटम्स के अंदर होता है तो अब एटम्स के अंदर यानी एटम की साइज के बराबर ही या उसके अंदर ही जब वर्क हो रहे हैं तो जो एटम की साइज है वही उसका रेंज है। तो एटम्स की साइज क्या है, 10^-15, ये है बहुत ही स्मॉल रेंज है, समझ रहे हो ना, ठीक है। अब कंपैरेटिव स्ट्रेंथ, अब इसका क्या होगा, और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, यह फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से 100 times मोर होता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 100 times मोर देन इलेक्ट्रिक फोर्स, तो 100 times कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, 100 times इलेक्ट्रिक फोर्स। अब 100 times करोगे तो 10^36 हो जाएगा, तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 10^36 टाइम स्ट्रॉन्ग है, ये है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, क्लियर। अब
इसके एग्जाम्पल बनाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं इनसाइड न्यूक्लियस में जो होते हैं इनके एग्जाम्पल्स, ठीक है, वही न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स, ठीक है। तो ये है इनसाइड न्यूक्लियस। अब आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स की स्टडी भी चल रही है, अभी ये इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में कुछ स्टडी अभी उतनी नहीं हो पाई, ठीक है, अभी रिसर्च इस पर चल रहा है, ये अंडर प्रोसेस है, ठीक है, बट इसमें कुछ है उसको हम नोट कर लेते हैं। तो ये भी क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, इसका जो सोर्स है वह भी क्या है, न्यूक्लियर पार्टिकल्स ही है, न्यूक्लियर पार्टिकल्स। और न्यूक्लियर पार्टिकल्स में समझ में आता है आपको, ठीक है, और ये किस पर वर्क होंगे, अपने पर ही वर्क होंगे, यानी न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन पर ही वर्क होते हैं। और इनका जो नेचर होता है, ठीक है, यह किस तरह से नेचर करता है, तो ये अंडर प्रोसेस है, जो भी अट्रैक्शंस और रिपल्शंस का होगा, ठीक है, तो ये भी अंडर प्रोसेस, ये इस पर वर्क अभी चल रहा है, ठीक है, तो ये अंडर प्रोसेस है, ठीक है, ये अंडर प्रोसेस है। अब ये जो फोर्स है इसकी अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो क्या होगा, ठीक है, तो ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है यह ग्रेविटेशनल फोर्स का 10^25 स्ट्रांग होता है, इसकी स्ट्रेंथ, यानी वीक न्यूक्लियर फोर्स भी स्ट्रांग होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हुआ, सबसे वीकेस्ट फोर्स। और हम क्या समझते हैं कि ये हमारे नेचर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रांग क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, जो हर एक बॉडीज को, हर एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लेती है। तो हमने क्या देखा, बहुत ही वीक, ठीक है, तो ये क्या है, 10^25 स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ये है फंडामेंटल फोर्सेस जो हमारे नेचर्स में होते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हमारे नेचर्स में कुछ ऐसी क्वांटिटी होती है, ठीक है, उसको हम समझते हैं कैसी क्वांटिटी होती है, उनका है जो टॉपिक है वह है नेचर्स ऑफ फिजिकल्स लॉ। तो हमारे नेचर्स में जो फिजिकल क्वांटिटी हैं कुछ इस तरह से हैं, कंजर्व है, ठीक है, कंजर्व मतलब हुआ कि वो संभाल कर रखे हुए हैं, अब जो हैं वो वही रहेंगे, उससे ना तो कम होगा ना तो उसको उससे ज्यादा होगा, इसका मतलब है कि वह कंजर्व है, ठीक है। तो नेक्स्ट, नेचर्स, नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, तो नेचर ऑफ फिजिकल लॉ में यही हमने बताया कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जो कंजर्व है, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, ये क्या है, कंजर्व है, जितना मास है अब वही मास रहेगा, जितनी एनर्जी है वही एनर्जी रहेगी, जितना लीनियर मोमेंटम है वही लीनियर मोमेंटम रहेगा, जितना एंगुलर मोमेंटम है वही एंगुलर मोमेंटम रहेगा, जितने चार्ज हैं उतने ही चार्ज रहेंगे, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ फिजिकल्स, ठीक है। अब इसमें क्या हुए, तो बहुत सारे हुए, कौन से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी और मास भी है, ठीक है, सेकेंड है आपका वही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, थर्ड है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
एंगुलर मोमेंटम, ये फोर्थ है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इस तरह से हमारे नेचर्स में फिजिकल क्वांटिटी हैं कुछ ऐसे जो कंजर्व है, तो ये इस तरह से। ठीक है, अब इनकी डिफिनेशंस क्या होती है, तो इनकी डिफिनेशंस आपने पढ़ा हुआ है, एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, बट इट चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, ये इनकी डिफिनेशंस है, तो इसकी डिफिनेशंस को लिख लेते हैं। ठीक है, cannot be create and cannot be destroy, but change from one form अदर। एंड देन बट देन टोटल आर कंजर्व या कांस्टेंट, ये है कंजर्वेशन ऑफ लॉ की डेफिनेशंस। तो कंजर्वेशन लॉ का डेफिनेशन क्या है, इसको फुलफिल करिएगा। ठीक है, देखिए ये है जो फिले ब्लैंक जो है, इस पर क्या रख दोगे, अगर रखोगे एनर्जी, जहां पे ब्लैंक है वहां पे एनर्जी रखो, तो क्या डेफिनेशन मिलती है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, बट एनर्जी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। यहां पे आप लिख लो अदर फॉर्म बट देन टोटल्स एनर्जी आर कांस्टेंट, जो टोटल एनर्जी है वो वही रहेगी, चेंज नहीं होगा। क्लियर, अब इसी तरीके से आप मास रख लोगे ब्लैंक पर, तो टोटल डिफिनेशन हो जाएगा मास के लिए, वैसे ही लीनियर मोमेंटम्स के लिए, एंगुलर मोमेंटम के लिए और चार्ज के लिए। ये है फिजिकल्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, जो हमारे नेचर्स में ऐसे होते हैं। ठीक है, ओके, इसको भी नोट कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपका होता है लॉ ऑफ सिमेट्री। ठीक है, लॉ ऑफ सिमेट्री क्या होता है, इसको समझते हैं, यहीं पर समझ लेते हैं लॉ ऑफ सिमेट्री। लॉ ऑफ सिमेट्री का मीनिंग क्या है, तो लॉ ऑफ सिमेट्री का मतलब ये है कि हमारे नेचर्स में जो भी कुछ होता है, जो हम स्टडी करते हैं, वो किस तरह से सिमेट्री है। ठीक है, इसको समझते हैं। इस समय मई जून का महीना यानी गर्मी का मौसम, अब 365 दिन के बाद या वन ईयर के बाद फिर से क्या आएगा, मई जून आएगा, वही गर्मी का मौसम। जनवरी फरवरी आपका ठंडी का मौसम, तो इस तरह से जो हमारे वेदर्स हैं, ठीक है, उनका एक साइक्लिक है, इसका मतलब है वे एक सिमेट्री है। वन ईयर के बाद आपका बरसात होगा, वन ईयर के बाद ठंडी आएगी, वन ईयर के बाद गर्मी आएगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्री। और उसके बाद हम हर रोज देखते हैं कि हमारे नेचर्स में जो सन है वह हर रोज ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट पर सेटअप हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से उनका एक साइक्लिक है, पर डे का है, और ये सिमेट्री है, समझ रहे ना। तो फिजिक्स हमारा कैसा है, लॉ ऑफ सिमेट्री है। और ये है फिजिकल वर्ड्स टोटल। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें हम जो हमारे फोर फंडामेंटल फोर्सेस थे
उनको थोड़ा सा उनकी जो कंपेरेटिव स्ट्रेंथ है ठीक है उनको थोड़ा सा फिर से नोट कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में आता है। कभी कभी नीट और मेंस में ये इसकी कंपेरेटिव स्ट्रेंथ को पूछ लेता है कि इनका कंपेरेटिव स्ट्रेंथ क्या है ठीक है तो उनको नोट कर लेते हैं ठीक है। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ फोर टाइप्स ऑफ बेसिक फंडामेंटल नेचर्स कैन बी रिप्रेजेंट। तो फर्स्ट आता है हम समझ लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और सेकेंड हम समझ लेते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स और हम इलेक्ट्रिक फोर्स को समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स और जो नेक्स्ट है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। ठीक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ठीक है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह है वर्क ठीक है। वीक न्यूक्लियर फोर्स 10^25 टाइम्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है 10^36 टाइम्स और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वह है 10^38 टाइम ठीक है। ये है आपका कंपेरेटिव स्ट्रेंथ ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स से सबको हमने कंपेयर कर दिया समझ रहे हो ना ठीक है। तो ये था आपका फिजिकल वर्ल्ड। तो इस फिजिकल वर्ल्ड में हमने फिजिक्स को कैसे पढ़ना है और किस तरह से हम उसको पढ़ते हैं उसको समझते हैं ये सारे हमने फिजिकल वर्ल्ड में सीखा है। अब आगे के जो चैप्टर्स होंगे फिजिक्स के अब इन सब स्टेप इन सब को समझने के बाद वो हमको समझ में आते हैं कि हाँ ये होता है और हमारे नेचर्स में होते हैं और उनके फिनोमिना ये इस तरह से हैं तो ये सब क्या है फिजिक्स है ठीक है। तो ये है फिजिकल वर्ड्स। अब जो हम लोग का क्लास होगा वह सेकेंड चैप्टर्स होगा यूनिट एंड मेजरमेंट। क्लियर है तो ठीक है आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ठीक है। थैंक यू।